एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मिरर फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन है, अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है। मींस आपके पास क्या गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर से जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर। मींस आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी गिवन है। तो सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे हमें गिवन क्या क्या है। देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमें गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। इस प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है, देखो इस तरह से है ना, इस तरह से है कॉन्वेक्स मिरर। तो और वो कहाँ प्लेस है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे प्लेस है। तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ये तो इंसिडेंट रे इस तरफ है, हम लेते हैं डिस्टेंस पोल से इस तरफ को, है ना। देखो इस तरह से ऐसे है आपके पास, ये आपके पास कोई कॉन्वेक्स मिरर है ना। इधर कहीं होगा फोकस और यहाँ होगा सेंटर, ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस है कहीं। तो आपके पास जो ये वाली जो डिस्टेंस है ये किस में आएगा, नेगेटिव में, बिकॉज इंसिडेंट रे कैसी हो रही है, इस डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव होगा, हम ले रहे हैं पोल से डिस्टेंस इस डायरेक्शन में तो माइनस में। तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -10 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, क्लियर। और क्या गिवन है आपको, फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे, देखो इस डायरेक्शन में है, फोकस यहाँ पे है और यहाँ पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में होती है तो इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं हम जो भी डिस्टेंस है पोल से, ठीक है। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कितनी है, 40 सेंटीमीटर। क्लियर, ये चीज़ें आपको गिवन है। हमें क्या क्या पूछा है, फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन क्या है उसकी, मींस वी की वैल्यू कहाँ पे फॉर्म हो रही है वो, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले क्या करना है, वी का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। तो देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/F = 1/U + 1/V। क्लियर, ओके। अब देखो आप या तो आप इस तरह से कर लें इसे, यहाँ से 1/V, यहाँ से अगर हमें 1/V राइट डाउन करना है यहाँ, तो 1/V हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, 1/F - 1/U, है ना। अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, F की कर दो, U की कर लो, 1/V। आप ये वाली चीज़ सॉल्व करके इसका रेसिप्रोक कर ले रहे हो तो V की वैल्यू आ जाएगी। या ऐसे करो, या तो फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ पे हम पहले इसका LCM ले लेते हैं और उस वाले फॉर्मूले में पुट करो वो, और उस वाला फॉर्मूला कौन सा होता था, V = वो क्या आता था आपके पास, UF / U - F। सिंपल ये LCM ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, V = UF। सबसे पहले U की वैल्यू कितनी है, -10, F की वैल्यू कितनी है, 40। क्लियर, डिवाइडेड बाय U - F, U कितना है, -10 और -F 40। बस इसको सॉल्व कर लो, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, देखो माइनस यहाँ आ गया 400 डिवाइडेड बाय और यहाँ आ गया 50। इससे ये चीज़ कैंसिल आउट हो गई 0 से और ये आ गया 8। तो V की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ओके। अब देखो V की वैल्यू आपके पास कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। मीन्स जो भी आपके पास इमेज फॉर्म हो रही है वो क्या है, किस तरफ होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में है ना, और V क्या आ रहा है आपके पास, डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स कहाँ पे बन रही है वो, इस तरफ बन रही है। और इस तरफ कब बनती है इमेज, जब कैसी होती है वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है।
और मिरर के कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो आप यहाँ से क्या क्या चीज़ें बता सकते हो, अब आप राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पे, एज वी इज पॉजिटिव, वी पॉजिटिव है, इट मीन्स द इमेज इज, पहली बात तो क्या है, वर्चुअल है ना। अगर नेगेटिव होता तो इधर बननी थी, और इधर कौन सी बनती है, जो रियल होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं, है ना। अब इस तरफ बन रही है तो द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल है तो क्या कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज हमेशा हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट, एंड इज फॉर्म्ड 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। यहाँ से ये वाली बातें क्लियर होगी आपको, क्लियर है। अब देखो हमें और क्या पूछना, उसका साइज ऑफ इमेज भी पूछा है इन्होंने, तो साइज मीन्स हमें हाइट पता होनी चाहिए, एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, और वो वाला फॉर्मूला अब हम ये वाला यूज़ करेंगे मैग्निफिकेशन का, कौन सा, हमें पता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू होता है माइनस वी डिवाइडेड बाय यू, क्लियर है ना। ओके यहाँ से अब एच आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो माइनस वी डिवाइडेड बाय यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एच आई की वैल्यू, एच आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी, वी कितना है आपके पास, अभी हमने फाइंड आउट किया 8, और यू की वैल्यू कितनी है -10, मल्टीप्लाई बाय एच ओ आपको गिवन है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है, सॉल्व करके कितना आ गया, ये माइनस से माइनस साइन चला गया, इधर आ गया 4, इधर आगे कितना आ गया, ये 4 सेंटीमीटर। तो कितनी वैल्यू आ गई एच आई की, 4 सेंटीमीटर, क्लियर, कितनी हाइट होगी उसकी 4 सेंटीमीटर इमेज की। अब देखो, और देखो आपकी हाइट कैसी आ रही है, देखो जो भी आपके पास साइज है वो कैसा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, और जो आपके पास इमेज की हाइट है वो कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो आपके पास इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी बन रही है, क्लियर। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं देखो किस तरह से, एज। और एक और बात देखो, इन्होंने आगे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, व्हाट हैपन टू द साइज ऑफ इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर। अगर हम क्या करें, इस वाले ऑब्जेक्ट को इस मिरर से और भी ज्यादा दूर ले जाएं, तो जो आपके पास इमेज है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उसकी साइज पे कैसा फर्क पड़ेगा, वो छोटा होगा या बड़ा होगा, किस तरह से। देखो ये वाला केस हमने डिस्कस भी किया था जब हमने इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर किया था, तो देखो ये वाला केस था यहाँ पे, देखो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से हमने किया था। तो जब यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, देखो तो आपके पास यहाँ बन रही थी इमेज और छोटी बन रही है साइज में, जैसे इस इमेज को क्या करेंगे हम, दूर दूर लेके जाते हैं, सेकंड केस किया था जब इन्फिनिटी पे है मान लो ऑब्जेक्ट, तो जो भी आपके पास इमेज बनती थी वो क्या होती जाती है, फोकस के पास आती जाती है वो। देखो जब नजदीक होगा तो यहां बनेगी इमेज, जब और दूर जाएगी तो यहां बनेगी, और जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज्यादा दूर लेके चले जाएंगे तो जो आपके पास इमेज है वो कहां बननी स्टार्ट हो जाएगी, नियर टू फोकस, और उसका साइज क्या होता जाता है, छोटा। और जब इवन जब इन्फिनिटी पे हम ले जाते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो आपके पास इमेज है वो कहां बनती है, फोकस पे बनती है और पॉइंट साइज की बनती है, ठीक है। तो यही उन्होंने पूछा हुआ है कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दूर ले जाएं इस मिरर से, तो इमेज की साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं कि इमेज कैसी हो जाएगी, उसकी छोटी होती जाएगी, और किस तरफ को मूव होती जाएगी, फोकस की तरफ को, क्लियर है। ओके हम एज द नीडल इज मूव्ड, हम राइट डाउन कर सकते हैं यहां पे, एज द नीडल इज मूव्ड further away from the mirror, the image shifts towards focus and its size goes on decreasing, उसका साइज कैसा होता जाएगा,
कम होता जाएगा उसका साइज. क्लियर है? एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द मिरर, इसको दूर लेके जाएंगे, द इमेज शिफ्ट टुवर्ड्स द फोकस, फोकस पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट्स साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, और इसका साइज कम होता जाएगा. और अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा दूर ले जाएं तो जो भी आपके पास साइज होगा इमेज का वो कैसा बन जाएगा, पॉइंट साइज की तरह, बहुत ही छोटा. ठीक है? ओके, देखो ये वाला क्वेश्चन हमने आज कर लिया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया. ओके, थैंक यू.